तो गाइस आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं नाइट्रीकरण क्या होता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक से दो नंबर आपको तैयार हो जाएगा यहीं से। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने हैलोजनीकरण पढ़ाया था, लेकिन आज हम नाइट्रीकरण पढ़ेंगे। नाइट्रीकरण क्या होता है, देखो इसको अंग्रेजी में नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन इंग्लिश में। तो इंग्लिश का बहुत ज्यादा यूज तो आपको होगा नहीं, लेकिन हम लिख देते हैं नाइट्रीफिकेशन। नहीं कहोगे सर जी को अंग्रेजी एकदम में नहीं आता, नाइट्रीफिकेशन, ठीक है। देखो भाई, कहने का मतलब है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति। सांद्र मतलब गाढ़ा होता है। सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया, देखना लिखो सांद्र, ठीक है मेरे भाई, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, की उपस्थिति, ठीक है भाई, के उपस्थिति में, ठीक है, प्रेजेंट रहेगा, बेंजीन की अभिक्रिया उपस्थिति में, ठीक है, बेंजीन की उपस्थिति में सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल से कराने पर की अभिक्रिया बेंजीन, उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया यानी अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया सांद्र HNO3 सांद्र, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, सांद्र HNO3 इसको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, से कराने पर, ठीक है, से क्या करने पर, कराने पर नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है मेरे भाई। क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। इस क्रिया को नाइट्रीकरण या नाइट्रोजनीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। इस क्रिया को अभी हम आपका एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, को नाइट्रीकरण या नाइट्रोजनीकरण, ठीक है, नाइट्रोजनीकरण, ओके मेरे भाई, कहते हैं। इस क्रिया को नाइट्रीकरण या नाइट्रोजनीकरण कहते हैं। तो मेरे भाई कुल मिला जुला के अब तो इतना तो समझ ही गए होंगे नाइट्रीकरण होता क्या है। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मैंने ले लिया बेंजीन, यहां पे हमने बेंजीन ले लिया, बहुत अच्छे से मैं बना देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, ये हमारा बेंजीन। बेंजीन में जब सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल से जब क्रिया कराओगे, तो देखो यहां से क्रिया, यहीं से सब कुछ होना है। यहां से -NO2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तुम पूछोगे देखो HNO3 में दो चीजें होती है, पूछोगे क्या सर, तो HNHO इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, OH OH-NO2। तो देखो ये टूट जाता है, ये टूटेगा इसमें, तो वही माइनस होता है जो क्या होता है बेंजीन के ऊपर आके मेरे भाई लग जाता है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे जुड़ जाता है, मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा, बेंजीन के ऊपर लग जाता है। अब यही हमारा है नाइट्रोबेंजीन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। लेकिन आपने देखा कि जब यह NO2 यहां से जुड़ेगा तो आप एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा, क्योंकि इसका भी फार्मूला है C6H6 बेंजीन का, तो यहां से एक H कम होगा, यानी इसका फार्मूला ऐसे हो गया C6H5NO2, इसका फार्मूला ऐसे हो गया। तो आप देख पा रहे हो एक हाइड्रोजन तो गायब है, तो कहां गया, एक हाइड्रोजन गायब है और यहां से सिर्फ यही कटा है, लेकिन ये बचा है, तो उसका एक H बचा है, तो H और OH मिलकर यहाँ पे H2O बना देंगे, आप देख पा रहे हो जल्द H2O। तो यही हमारा नाइट्रोबेंजीन बन पा रहा है, आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, नाइट्रो
बेंजीन बन पा रहा है। ठीक है मेरे भाई, नाइट्रो बेंजीन बन पा रहा है। मैंने हर तरीके से आपको दिखा दिया एक एक पॉइंट को खोल खोल के। एग्जाम में ऐसे अगर लिख के आओगे ना, एग्जामिनर एकदम बढ़िया नंबर देगा, समझे, शानदार। अब आ जाओ दूसरे तरफ। अब हमने नाइट्रो बेंजीन प्राप्त कर लिया, अब हम डाई नाइट्रो बेंजीन प्राप्त करेंगे। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, नाइट्रो बेंजीन है NO2। ठीक है, NO2 है हमारे पास, क्या है मेरे भाई, नाइट्रो बेंजीन हो गया। ये देखो नाइट्रो। अब फिर से हम HNO3 फिर से क्रिया कराएंगे, फिर से वही काम, माइनस NO2 होगा और यहां से माइनस H हो जाएगा, फिर से हमारा यही आएगा रिएक्शन में, यहां पे यहां पे यहां पे एक NO2 तो लगा ही था, अब देखो एक और NO2 यहां पे लग जाएगा, देखो और एक यहां पे लग जाएगा। ठीक है, अब प्लस में जल बन जाएगा H2, ठीक है, इसका डाई डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, अब फिर से एक और काम करते, फिर इसको लेते हैं हम, ठीक है, फिर हम इसको लेते हैं, जब लेंगे यहां से देखो, यहां पे NO2 हमने लिया और यहां पे, अब देखा कैसे हम तीन को लगा देते निकल चक्कर में, HNO3 फिर से क्रिया कराएंगे, फिर से हमारा माइनस हो जाएगा NO2 इसमें से, माइनस हो रहा है लेकिन इसमें से हो रहा है, ध्यान देना। ठीक है भाई, ये ध्यान, इसको लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, एक बार बस आपने समझ लिया उतना ही काफी है, ऐसा नहीं है कि इसको बार बार आप लिखते रहे, मैं बस समझाने के लिए इसको यहाँ कर दिया था। ठीक है, बार बार यहाँ पे, अब देखो फिर से आपका जो क्रिया बन होके बनेगा लास्ट में, आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बनेगा भाई, यस सर यस सर यस, यहाँ पे NO2 हो गया, एक तो NO2 यहाँ पे था और एक और तीसरा जो आएगा NO2 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये ट्राई नाइट्रो बेंजीन बन गया, ये हमारी पूरी अभिक्रिया खत्म, नाइट्रीकरण खत्म हो गया। मुझे लगता है मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको समझाया है, बिल्कुल इजी भाषा में। ठीक है, ऐसे ही अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्लास ट्वेल्थ या टेंथ की फुल तैयारी, तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, दो काम करिए, आपका भविष्य जरूर बनेगा। पहला, जस्ट ट्वेल्व क्लासेज, ठीक है, ऐप को डाउनलोड कीजिए। दूसरा, अगर नहीं कर पा रहे तो हमारे इस नंबर पे कॉल कीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से नए बैच, क्रैश कोर्सेज, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग वीडियो मिल रहा है, तो कहीं और क्यों जाना, जल्दी से डाउनलोड करिए या तो कॉल करिए अभी के अभी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए। इससे पहले मैंने हैलोजनीकरण वाला वीडियो दे दिया है। जय हिंद, जय भारत।